तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पर WWE चैंपियनशिप मैच जो होने वाला है डे वन के अंदर, उसमें फाइनली वो चेंज हो गया जो कि हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और बॉबी लैशली भाई सबसे तगड़ा सुपरस्टार मैं कहना चाहूंगा मंडे नाइट रॉ का। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रॉ में आज क्या कुछ हुआ, तो बस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। और हाँ भाई, फिलहाल वीडियोस फेस कैम नहीं आएंगे क्योंकि आपको लास्ट वीडियो से पता चल ही गया होगा, अभी थोड़ी सी हालत ख़राब है। जब मैं पूरा नॉर्मल हो जाऊंगा उसके बाद आपको वीडियोज जो फेस कैम देखने को मिलेंगे। और हाँ, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर एंड गेबल स्टीवसन के बारे में भी आपको कुछ बताने के लिए। खैर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले चीज़ की बात करते हैं रॉ की। तो गाइज हमको सबसे पहले बॉबी लैशली और MVP देखने को मिलते हैं, जहां पर वो बात करते हैं कि भाई कैसे उनको कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता और उनको WWE चैंपियनशिप मैच के अंदर आना ही है। सिंपल सा उनका ये फंडा था और इसीलिए उन्होंने लास्ट वीक जो है सारे के सारे सुपरस्टार्स को धो दिया। अब ऐसा कहते कहते होता क्या है, केविन ओवंस यहां पर आते हैं और केविन ओवंस कहते हैं भाई मैंने अर्न किया है इस मैच में आना, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली चीज़ को अर्न किया था, सेथ रॉलिंस ने भी कंटेंडरशिप जीती थी, तो तुम ऐसे कैसे मैच के अंदर आ सकते हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई हक नहीं बनता आने का। इसके बाद क्या होता है, सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई देख वैसे तो मैं तेरे साथ अग्री नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ इस वाली बात के ऊपर मैं अग्री करूँगा कि इस बंदे ने ऐसा तो कुछ किया है नहीं जिसकी वजह से इसे इस मैच के अंदर डाला जाए। अब इनके बीच यहाँ पर बातें हो रही होती हैं, तो बॉबी लैशली कहते हैं तुम इतनी बकबक क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम रिंग के अंदर आकर करो। ऐसे में सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस एक दूसरे से कहते हैं कि भाई पहले तू जा, क्योंकि भाई दोनों ही सुपरस्टार्स के अंदर जाने में फट रही होती है। इसके बाद यहाँ पर बिगी आते हैं और बिगी कहते हैं कि भाई बॉबी लैशली मैं तेरे को पहले भी हरा चुका हूँ, दोबारा से मुझे तुझे हराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनके बीच यहाँ पर ऐसी सारी बातें चली रही होती हैं, तभी यहाँ पर एडम पियर्सन सोनिया डेविल आते हैं और वो कहते हैं कि बॉबी लैशली को इस मैच के अंदर डाला जाएगा और फेटल फोर में मैच बन जाएगा डे वन पेपर व्यू के अंदर WWE चैंपियनशिप के लिए। ऐसा कह के बिगी जो हम केविन ओवंस एंड सेथ रॉलिंस वाली टीम देख रहे हैं, मतलब टीम क्या है, ये जो सुपरस्टार्स हैं क्योंकि मैच के अंदर ऑलरेडी हैं, ये लोग सोच रहे थे कि क्या इसको इतनी आसानी से मैच मिल गया और बॉबी लैशली वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर ये होती है कि बॉबी लैशली को तीनों ही सुपरस्टार्स को सिंगल्स मैच के अंदर हराना होगा, और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तभी जाकर उनको उस मैच में ऐड होने का मौका मिलेगा। मतलब बॉबी लैशली के लिए पूरे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक पहाड़ सा खड़ा कर दिया था कि भाई तो मैच के अंदर तो आ सकते हो, लेकिन आने के लिए तुमको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और रॉ के ऊपर हमको बॉबी लैशली के मैचेस भी देखने को मिलते हैं, अभी जैसे जैसे मैचेस होंगे हम लोग आगे भी उसके बारे में बात करेंगे। पूरी रॉ को आज मैं कवर नहीं कर रहा गाइस, क्योंकि थोड़ा सा कवर करने की थोड़ी इतनी अच्छी हालत में भी नहीं हूं, और हाँ वैसे भी रॉ के ऊपर काफी ज्यादा बोरिंग चीजें भी थी। लेकिन मेन चीजों की बात करें तो बॉबी लैशली और केविन ओवंस का हमको इसके बाद जो है मैच देखने को मिलता है। और गाइस सीन यहां पर क्या होता है कि केविन ओवंस को इतना ज्यादा डर लग रहा है बॉबी लैशली से कि इससे पहले कि बॉबी लैशली अपना जो हर्ट लॉक है वो अच्छे से केविन ओवंस के ऊपर लगाते, उससे पहले ही केविन ओवंस ने टैप आउट कर दिया। यानी बॉबी लैशली ने तीन जो सामने उनकी मुश्किलें थी उसमें से एक मुश्किल को ढेर कर दिया था, यानी कि केविन ओवंस पहला शिकार उनका बन चुके थे। अब बाद में जाकर केविन ओवंस एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि भाई मेरा जो मैच है ना डे वन पेपर व्यू के अंदर, मैं उसके लिए अपने आप को फिट रखना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि जो बॉबी लैशली है उसका हर्ट लॉक लगने से मुझे कोई दिक्कत हो, इसलिए मैंने पहले ही टैप आउट कर दिया। और इस पर सेथ रॉलिंस जो है काफ़ी ज़्यादा नाखुश होते हैं। तो इस तरीके से पहले सुपरस्टार्स को तो यहाँ पर बॉबी लैशली हरा चुके थे। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं एजे स्टाइल्स एंड ओमस की। तो ऐसा लग रहा था कि शायद WWE इनकी टीम को तोड़ने वाली है, लेकिन सीन यहाँ पर बनता हुआ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि एजे स्टाइल्स हमको बैक स्टेज देखने को मिलते हैं जहाँ पर वो ओमस के बारे में कुछ भी अगेंस्ट नहीं बोल रहे, बल्कि वो तो ये बोल रहे हैं कि वो कैसे ओमस का साथ देना चाहते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद ओमस भी आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई हमारी जो टीम है वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली, और उसके बाद जो दोनों बंदे हैं वो आराम से चले गए। इसका मतलब कि जो हमको लग रहा था कि शायद लास्ट वीक देखे कि एजे स्टाइल्स एंड ओमस की जो टीम है शायद वो टूटने वाली है, लेकिन फिलहाल देखकर कुछ ऐसा प्लान लग नहीं रहा और फिलहाल एजे स्टाइल्स एंड ओमस एक साथ ही रहने वाले हैं। रॉबर्ट रूट, जिगलर वर्सेस फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट का हमको मैच देखने को मिलता है, और इस मैच के अंदर सिर्फ कहानी ऑस्टिन थ्योरी की थी, क्योंकि आपको पता है उनको जो है विंस मैकमैन को इंप्रेस करना है। और इस मैच में जब टॉप रोप पे फिन बैलर चढ़े हुए होते हैं तो ऑस्टिन थ्योरी यहां पर आकर सेल्फीज लेने लग जाते हैं, जिससे फिन बैलर डिस्ट्रैक्ट हो गए और जिगजैग लगा के इस मैच में जो जिगलर है उन्होंने अपनी टीम को जिता दिया। और मैच खत्म होने के बाद भी जब फिन बैलर पड़े हुए थे तो वहां पर वो उनकी फोटोज वगैरह खींच के विंस मैकमैन के पास ले जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इंप्रेस हुए विंस मैकमैन। विंस मैकमैन एक बड़ी अजीब सी चीज़ करते हैं, वो एक पेंसिल निकालते हैं और पेंसिल के दो पॉइंट होते हैं ना, एक तो मिटाने वाला और एक लिखने वाला। वो कहते हैं लिखने वाली साइड को मत देखो, तुम मिटाने वाले साइड को देखो। अब पता नहीं इससे विंस मैकमैन एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि भाई लोगों के किए हुए कामों को तुम मिटाओ, मतलब पता नहीं मुझे तो कुछ इसका मतलब समझ में नहीं आया ये क्या उस पेंसिल का मतलब था, लेकिन डेफिनेटली विंस मैकमैन ने बोला है तो इसका कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मतलब होगा। और आगे जाकर देखते हैं ये चीज़ जो किस तरीके से निकलती हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फोकस है इस समय, ना सिर्फ WWE
का बल्कि विंस मैकमैन का भी। इसके बाद गाइस हमको सेथ रॉलिंस और बॉबी लैशली का भी मैच देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है बॉबी लैशली को यहाँ पर जो है करना था, हराना था सेथ रॉलिंस को भी और उसके बाद बिगी को भी, तभी जाकर उनको मैच मिलता। अब इस मैच के अंदर क्या होता है, स्ट्रेटजी लगाने के लिए केविन ओवंस आ गए। उन्होंने क्या किया, सिंपली आकर उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया। अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिजल्ट निकलेगा और बॉबी लैशली मैच को हार जाएंगे, सेथ रॉलिंस मैच को जीत जाएंगे और भाई बॉबी लैशली मैच के अंदर आ नहीं पाएंगे। लेकिन केविन ओवंस से ज़्यादा स्मार्ट थे एडम पियर्स, एडम पियर्सन सोनिया डिविल आते हैं और वो कहते हैं इस तरीके से चीजें खत्म नहीं होने वाली, बल्कि ये मैच होगा रीस्टार्ट और ये बदलेगा नो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर, यानी कि इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। और ना सिर्फ ये वाला मैच बल्कि आगे जो बिगी के साथ मैच होने वाला है बॉबी लैशली का, उस मैच के अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब कि दोबारा से सेथ रॉलिंस और बॉबी लैशली का जो मैच है वो स्टार्ट होता है। और स्टार्ट क्या हुआ भाई, जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ एक स्पीयर लगाया बॉबी लैशली ने और उन्होंने सेथ रॉलिंस को पिन करके इस मैच में हरा दिया है। भाई बॉबी लैशली की यार इतनी तगड़ी बुकिंग हो रही है, इस लेवल पर बॉबी लैशली की बुकिंग कभी WWE के अंदर होगी, इसके मैं सिर्फ सपने देखा करता था। और एक्चुअल में आज वो बुकिंग हो रही है और सही बताऊँ तो मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार सेथ रॉलिंस को कैसे वीक दिखा दिया, उनको पटक दिया। हाँ, सेथ रॉलिंस का वीक दिखना यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा था मुझे भी, लेकिन बॉबी लैशली को एक तरह पुश मिल रहा है, वो चीज़ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद गाइस हमको मिस टीवी का सेगमेंट भी देखने को मिलता है, जहाँ पर मिस इस बार होस्ट नहीं थे बल्कि मरीज थी। उसके बाद उन्होंने मिस को वेलकम किया और भाई साहब मिस तो अपनी ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वो अपने आप को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। ड्रिंक वो वहाँ पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि डे वन पेपर व्यू के अंदर वो एज को हरा देंगे और उसके बाद जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, ये वो वगैरह वगैरह। इसके बाद एज यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि वो मिस के बारे में कैसे काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं। वो कहते हैं कि मिस एक अच्छा बंदा भी है लेकिन साथ ही साथ ये बकवास बहुत ज़्यादा करता है। वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करके मिस को एनॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस पर मिस कहते हैं भाई तुम चुप रहो ना। तो ऐसा ही एज कहते हैं कि हाँ हम सारे लोगों को भी ऐसा ही फील होता है तुम अपना मुंह खोलते हो। तो ऐसा क्या कहेंगे, बीच में बहसबाजी होती है। वो ड्रिंक जो है मिज एज के मुंह में फेंक देते हैं और उसके बाद क्या होता है, ब्रॉल इनके बीच चालू हो गई। एज ने यहाँ पर अटैक जरूर किया और जब वो स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं तो मिज ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, उन्होंने अपनी वाइफ को बीच में ले आए, हालांकि इससे फ़ायदा उनको ज़रूर रहा। उन्होंने स्कल क्रशिंग फिनाले लगाकर एज को चित तो ज़रूर कर दिया, लेकिन मरीज इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि भाई ये मेरा पति है और ये मेरा पति होते हुए मेरे को बीच में कैसे डाल रहा है, भाई इसकी इतनी मत कैसे हो रही है। तो इसके बाद जो उन्होंने थप्पड़ भी लगा दिया मिस को और मिस एंड मरीज वहाँ से चले जाते हैं और मिस जो है एक जोरू के गुलाम की तरह जो है पीछे पीछे मरीज के पीछे भाग रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है इस वाले सेगमेंट का यहाँ पर एंड होता है, कुछ फनी टाइप का भी था। हाँ, यहाँ से एज और मिस की जो स्टोरी लाइन है वो गर्म हो रही है और देखते हैं अब नेक्स्ट वीक इसका जो जवाब है वो किस तरीके से एज देते हैं। हम बात करते हैं गाइस सीधा शो के मेन इवेंट की, जहां पर बॉबी लैशली और बिगी के बीच में मैच था और इन नो डिस्क्वालिफिकेशन था, तो यहां पर वेपन्स का भी यूज हो सकता था और हमको यूज देखने को भी मिलता है, क्योंकि यहां पर टेबल निकल कर आती है जहां पर बॉबी लैशली ने स्लैम किया था, जो एक हाथ से वो स्पाइन बस्टर लगाते हैं बिगी को, वो उन्होंने लगाया। मैच में दोनों ही सुपरस्टार्स घुस गए, कौन कौन, केविन ओवंस एंड सेथ रॉलिंस, और वो दोनों ही सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक करने लग गए। लेकिन सीन हमको क्या देखने को मिलता है कि बाहर की तरफ जो बिगी हैं उन्होंने केविन ओवंस को जो है पावर बॉम्ब दे दिया है टेबल के ऊपर, और रिंग के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो बॉबी लैशली हैं उन्होंने स्पीयर लगा दिया है सेथ रॉलिंस को थ्रू द टेबल। इसके बाद क्या होता है गाइस, बॉबी लैशली इस बार अब तैयार होते हैं, पीछे से बिगी खड़े हुए होते हैं और MVP ने आकर स्ट्राइक कर दी पैर के ऊपर, नी के ऊपर, जिससे बॉबी लैशली को एडवांटेज मिला और बॉबी लैशली ने स्पीयर लगा के, ध्यान से सुनना, WWE चैंपियन को भी पिन कर दिया है। यानी बॉबी लैशली ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली मैच को जीतने के बाद और अब जो डे वन पेपर व्यू के अंदर WWE चैंपियनशिप का मैच है वो होने वाला है एक फेटल फोर वे मैच। तो इस तरीके से रॉ के अंदर ये पूरी कहानी थी, काफ़ी सही लगा मुझे कि एक स्टोरी लाइन WWE रॉ के ऊपर दिखा रही थी। जो चीज़ें बेकार थी वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर ही नहीं करी हैं, तो भाई आपको वैसे भी इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर हम लोग अच्छी चीज़ें देखें तो WWE ने स्टोरी लाइन बनाने के हिसाब से इस वाले बुकिंग को देकर मैं तो काफ़ी इंप्रेस हुआ WWE से। और फेटल फोर वे मैच अब होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए, डेफिनेटली बिगी की जो टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये था पूरा रॉ का एपिसोड। अब बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में और बॉबी लैशली से ये थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि बॉबी लैशली ने रिंग साइड के ऊपर फिस्ट बंप ऑफर किया गेबल स्टीवसन को। यानी कि आज रिंग साइड के ऊपर गेबल स्टीवसन बैठे हुए थे, भूल तो नहीं गए ना भाई इतनी जल्दी, गेबल स्टीवसन वही जिन्होंने रेसलिंग के अंदर जो है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने जो टोक्यो के अंदर हुए थे और WWE ने उनको रॉ के लिए साइन भी किया हुआ है। तो इस तरीके से उनका यहाँ पर आना डेफिनेटली हिंट कर रहा है कि शायद बहुत जल्दी वो WWE के रिंग को भी हिट कर सकते हैं। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की वजह से किस तरीके से WWE को डे वन पेपर व्यू के अंदर भी फायदा हो रहा है। इससे पहले जो डे वन पेपर व्यू की टिकट सेलिंग थी वो काफ़ी फीकी फीकी से चल रही थी, क्योंकि फैंस को एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि क्या वाकई में एक बड़ा शो होने वाला है या फिर ये WWE का नॉर्मल सा पेपर व्यू होगा। लेकिन जैसे ही WWE ने अनाउंस किया
रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक सडन हमको कह सकते हैं कि ज़्यादा टिकट्स में सेल्स देखने को मिली हैं। और गाइज 83% जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी बिक भी चुकी है, 8,000 के आसपास जो टिकट्स हैं वो WWE इजीली डे वन के लिए बिकवा भी चुकी है, जैसे ही WWE ने अनाउंस किया रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के इस मैच को, तो भाई मनी मैच ये है, किसी भी पेपर व्यू के अंदर इसको करवा दो, WWE को इससे जो है हर तरीके से फायदा होता है। खैर गाइज हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी, अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।